हेलो गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हो गाइज। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बड़े होंगे गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए आ चुका एक सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले विद वॉइस ओवर के साथ। गाइज पहली बार वॉइस ओवर करो, कोई गलती हो जाए तो एडजस्ट कर लेना यार। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि क्या क्या गलती हुई है मुझसे, वो मैं इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं पोचिंग की भी उतरता हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं करता। फिर मैं थोड़ा लूट वूट करता हूँ तो मुझे गन बन मिलता है, एक उजी मिलता है और एक वेजन मिलता है। फिर मैं जैसे आगे जाता हूँ, सामने वाले घर से एक अचानक से पुश्त आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते बंदे, पहले तो नहीं था। फिर मैं उजी का प्री फायर देते हुए इसको मार दिया। फिर मैं इसको मार के थोड़ा होड़ी किया, देखा कि उसका टीममेट आता है कि नहीं। फिर कोई नहीं आता। फिर मैं जैसे इधर सामने की तरफ आता हूँ तो मुझे स्क्वाड से एक बंदा दिखता है। फिर मैं इसको बहुत डैमेज देता हूँ और जैसे पुश कर देता हूँ, फिर ये बंदा देखो हील करके तुरंत सामने आ जाता है। पर उसको लगा था कि वो मुझे मार देगा इधर से। फिर भाई उनको, उसको क्या पता था तुम्हारा भाई भी बहुत चालाक है, तुम्हारा भाई को भी फुट स्टेप आता है। फिर देखो इसको मारने की कितना कोशिश किया, फिनिश नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों मेरे हाथ को क्या क्या हुआ गया था, पता नहीं। फिर चलो इसको फिनिश करते हैं, अचानक जल्दी से फिनिश कर देते हैं इसको। कहीं तो जैसे ही फिनिश करते हो मुझे पीछे से फायर आ जाता है उसका टीममेट का, पता नहीं एक एक करके कहाँ से आ जाता आ रहा है। फिर देखो जैसे इससे लड़ रहा था तभी एक स्क्वाड आ जाता है। फिर मैं एक प्री नेट डाल देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो लोग ऊपर आएगा लेकिन कोई भी ऊपर नहीं आता, बाद में आता है। प्री नेट डाल देता हूँ लेकिन नेट से कोई भी नहीं मरता। यहाँ पे देखो एक स्क्वाड तो दो स्क्वाड हो गया अभी, पहले एक बंदा था एक स्क्वाड का और एक स्क्वाड गाड़ी लेके आया। फिर इन दोनों के बीच फाइट हो रहा था, मैं ऊपर बैठा हुआ था एकदम पेशेंस लेके, पेशेंस समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे उतरता तो दो स्क्वाड के बीच में मैं सैंडविच हो जाता था, इसलिए मैं ऊपर ही होल्ड करके बैठा हुआ था। तो इधर जैसे दो स्क्वाड फाइट कर रहा था और एक स्क्वाड इधर गाड़ी लेके आ जाता है, लेके और एक स्क्वाड आ गया। अभी टोटल तीन बाद में करता हूँ, तुम एकदम फाइट मतलब देखो अच्छे खासे देखो देख रहे हो, एक फ्री का किल लिया है, एक और एक को नॉक कर दिया मैंने, और नीचे ही बंदे मेरे नीचे ही जस्ट बैठे हुए थे बंदे। फिर मैं इधर से देखने की कोशिश किया, कोई बेलकोनी में तो टीपी भी नहीं ले रहा, बेलकोनी से कोई मार तो नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता मुझे। फिर मेरा M4 का गोलियाँ भी ख़त्म हो जाता है, मैं बाइजन ले लेता हूँ और इसको देखो ऊपर से मारने की कोशिश किया लेकिन ऊपर से गोली लगता ही नहीं था। फिर ये बंदा आ गया अचानक से, ये सोच रहा हो कि नीचे मार रहे हैं ऊपर से जाके मैं मार देता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई का भी फुट स्टेप बहुत अच्छे से ले लेता है। फिर तुमने भी, तुम्हारे भाई ने भी मार दिया उसको। और एक बंदा देखो कैसे शॉट गन लेके दौड़ दौड़ के आएगा वहाँ पर जो शॉट गन से मार रहे हैं। तो भाई देखो कितना मज़ा आएगा मतलब तुमको ये वाले मैच पर। अभी यहाँ पर धड़ाधड़ किल मिलता जाएगा मुझे, ये देखो एक किल मिल गया 5, तो तुम्हारा भाई को 23 किल करके चिकन लेना लेता है। तो देखना भाई ज़रूर से लाइक कर देना भाई इसके लिए। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ थोड़ा बहुत 5K वो मिलता है कि नहीं, लेकिन 5K वो मिलता ही नहीं है। फिर मैं भाई जान ही रखता हूँ अपने हाथ पे। अभी देखो एक बंदा शॉट गन लेके आ रहा था, फिर मैंने इसको भी मार दिया और इसको फिनिश भी कर दिया मैंने। क्या पता उसका टीममेट आ जाए और मुझे मार दे, उसको रिवाइव कर दे। ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा, जो भी नॉक होगा उसको फुल फिनिश देगा अपन, समझ रहे हो ना, एकदम फुल टॉक्सिक वाला। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा इधर उधर देख रहा था कि कोई है कि नहीं, तभी देखना अभी कैसे और एक स्क्वाड का इधर फाइट होता है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा स्मोक करके एमओ वेमो लूटता हूँ क्योंकि मेरे पास 5K नहीं था, 6 MO था ओनली। देखते हो कि कहीं पे 5 MO मिलता है कि नहीं। फिर यहाँ से मुझे 30 MO मिलता है, इससे मेरा काम नहीं हो सकता था, तो मैं जाके उधर थोड़ा और लूट किया, एक स्मोक डाल दिया, स्मोक करके थोड़ा लूट किया और यहाँ पे मुझे भरपूर लूट मिल जाता है। और देखो सामने से फायर भी आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे और दो स्क्वाड फाइट कर रहा था। अभी देखना मुझे यहाँ पे कैसे किल मिलता है। फिर मैं एमओ लेके एकदम ऊपर आया, देखने की कोशिश की कि कहाँ पे फाइट हो रहा है। तभी मुझे सामने से देखना भी कैसे, उधर बॉट पर गिर चुका था मैं, दो बॉट और राइट पे रियल बंदे थे, ले ले इससे पहले मैंने बॉट को मिल और बॉट मिल गया में। अभी देखना राइट पे बंदे फाइट कर रहे हैं,
राइट पे रेल बंदे फाइट कर रहे हैं लूज पर। अभी पता नहीं ये लोग कौन से नशे करके आए थे, दोनों एक साथ लेट के लूट रहा था, मतलब इन दोनों का प्यार देख रहे थे, दोनों एक साथ लेट के लूट रहे थे, मतलब प्यार देख रहे हैं दोनों के बीच में, इसीलिए दोनों को एक साथ मतलब ऊपर भेज दिया, और इनका जो तीसरा बंदा था उसको ऊपर भी भेज देने के बाद अभी यहाँ पे मुझे दूसरा स्क्वाड का मतलब तीसरा चौथा कौन सा स्क्वाड का मतलब जो भी स्क्वाड का हो उन लोग का लास्ट बंदा दिखता है, फिर मैं इनको मारता हूँ, फिर थोड़ा लूट करता हूँ। इधर मेरे पास M4 और UZ था जो मेरा फेवरेट गन है, मेरा फेवरेट कॉम्बो है गाइस। आप लोगों का कौन सा फेवरेट कॉम्बो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना गाइस प्लीज़ यार, तुमको कौन सा गन अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फिर मैं यहाँ पे बंदे ढूंढने के लिए निकलता हूँ, तभी मुझे अपार्टमेंट के साइड से शॉट्स आता है, लेकिन मैं इनको इग्नोर करते हुए फ्लैट की तरफ जाता हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे अपार्टमेंट में कैंपरों के हाथ से मरना नहीं था, इसलिए मैं सीधा फ्लैट पर घुस गया। देखना अभी गाइज मैं फ्लेयर पे जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि चार बंदे होंगे, कम से कम तीन चार बंदे तो होंगे, तीन चार किल मिलेगा, लेकिन नहीं भाई नहीं, तुम्हारे भाई की किस्मत ही खराब है, वहाँ पे बग्गी वाला था एक, तो मैं बग्गी वाले को देखने का अभी कैसे मारता हूँ। मैं सोचता हूँ कि फुल स्क्वाड है, तो मैं इधर गाड़ी रोक के टिप्पी भी लेता हूँ, फिर देखा बग्गी है, फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे ये भी लग रहा था कि एक ही होगा, क्या पता तीन चार भी हो, ऐसा मतलब डाउट हो रहा था। फिर क्या किया मैंने, थोड़ा इधर राइट से गया, मतलब कवर लेके गया, कोई ओपन से नहीं जाने का, क्योंकि ओपन से मतलब अभी समझते हो ना तुम, हर बंदे एक प्रो बन गया, हर कोई बंदा अच्छा खेल लेता है टीपी वीपी लेके, तो मैं इधर थोड़ा कवर लेके गया, अंदर गया, मैं सोचता हूँ कि एक ही होगा, अभी मेरे मतलब मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि एक ही होगा, अगर दो तीन होता तो मुझे दिख जाता, एक भी बंदा दिख जाता, लेकिन एक ही होगा इसलिए कैम्प कर रहा। फिर मैं उसे लेके रश किया, तभी मुझे बग्गी का साउंड हुआ, मेरे साउंड मिला कि वो जा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा, जैसे मैं आगे गया वो बग्गी वाला बग्गी से उतर गया, और देखो कैसे गीली सूट पहन के इधर बैठ जाता है, और ग्लोजा हाथ पे लेकर भी कुछ नहीं कर गए तुम्हारे भाई ने, यूजी से उसको टपका दिया तुम्हारे भाई ने, भाई यूजी का पावर ही अलग है। फिर मैं उनको लूटता हूँ, ग्लोजा वजा लेता हूँ, ग्लोजा वजा बाद में लेता हूँ, पहले देखना और दो बग्गी लेके आ गए बंदे, इनको कैसे मरता हो अभी देखना तुम लोग। जैसे ही मैं आगे बढ़ा देखा बंदे उधर करता हूँ, और पीछे आके यूजी रिवर्स करके दूसरे बंदे को जाके देखना अभी कैसे मारता हूँ। वो बंदे रिवाइवर एक नेट डालता हूँ, लेकिन नेट से कुछ होता नहीं है, वो बंदे थोड़ा और राइट पे चले गए थे इसीलिए नेट से कुछ होता नहीं है। फिर मैं पुश कर दिया, क्योंकि मैं सोचा नेट से डैमेज होगा, इसीलिए मैंने पुश कर दिया। अभी देखो रिवाइव हुआ ही नहीं, फिर दोनों को यहाँ पे मैंने फिनिश करके थोड़ा लूट वूट किया, ग्रोजा वजा लिया, फिर बंदे ढूंढने के लिए मैं चला आया, फिर मुझे एक यहाँ पे ड्रॉप दिखा, लेकिन मुझे घर से फुर्स्त आने लगा, ड्रॉप पे पहले से एक बंदा बैठा हुआ था, फिर मैं इसको देखने की कोशिश किया, स्पॉट करने की कोशिश की कि कहाँ पर बैठा है, तो मुझे सामने के घर से फुर्स्त आया, फिर मैं एक नेट कुक किया, नेट डालने जैसे ही मैं नेट कुक किया, वो बंदा फुटस्टेप, वो बंदा भी अच्छा था, फुटस्टेप ले रहा था अच्छा खासा, फिर वो बंदा वहाँ से भाग गया, फिर मैं नेट कैंसिल कर दिया और मैं पीछे चला आया। मैं पीछे से मतलब सोच रहा था कि मैं इसको फ्लैंक कर देता हूँ ब्रोकन वेल के, मतलब ब्रोकन वेल से जाके इसको फ्लैंक कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा भी बहुत ही चालाक था, अभी देखना कैसा करता है वो भी इधर आके बैठ गया सामने वाले ब्रोकन वेल पे, वो देख रहे हो। फिर मैं इसको नेट करता हूँ, लेकिन नेट से कुछ होता नहीं, वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। ये बंदा भी अच्छा खेल रहा है, देखना तुम क्या करता है लास्ट में, इसको कैसे मरता हो तुम देखना, तुमको हंसी आ जाएगा पक्का बता रहा हूँ मैं। इधर से एक नेट डालने की कोशिश करता हूँ मैं, फिर नेट कैंसिल कर देता हूँ मैं, पता नहीं क्यों मैंने नेट कैंसिल कर दिया, और पता नहीं ये बंदा कौन सा नशा करके बैठा था जो ऊपर गन करके बैठ गया था। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, और मुझे स्विमिंग पूल में एक बंदा दिखता है, फुटस्टेप आ रहा था उसका, तो जैसे मैं नेड को किया, वो बंदे को नेड का साउंड मिल गया, और वो बंदा बाहर आ गया नेड का साउंड सुन,
और तुम्हारा भाई इसको ग्रोजा से इसका काम तमाम कर देता है। फिर ये बंदा देखना वॉल पे बोलता है कि ग्रोजा से मार दिया भाई तुम्हारा भाई ओपी, मतलब ग्रोजा एकदम ओपी वाला। फिर मैं ये बंदे ढूंढने के लिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे दो स्कोर फाइट कर रहा था, तो यहाँ से मैं देखो सामने तुमको स्मोक दिख रहा होगा, तो यहाँ से दो स्कोर का फाइट हो रहा था। फिर मैं यहाँ पे आया और एक बंदे को इधर से नॉक देता हूँ मैं M4+66 का एकदम जहर स्प्रे देते हुए इसके नॉक कर दिया। फिर मैं गया आगे की तरफ और स्पॉट किया मैंने और दो तीन बंदे दिखा। फिर मैंने यहाँ पे फायर लिया, मैं सोचा कि एक दो नॉक होगा लेकिन कोई नॉक नहीं होता, एक स्क्वाड यहाँ पे फिनिश हो जाता है। फिर मैं जो दूसरा वाला स्क्वाड था इन पी के ऊपर नेड करता हूँ लेकिन नेड जाता नहीं है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने दो नेड किया लेकिन नेड से मतलब इनका कुछ हुआ ही नहीं, मतलब जैसे नेड इसका बाप है, मतलब बाप पोते को कुछ नहीं करेगा, बाप बेटे को, ऐसा हो गया इधर। फिर मैं देखो क्या करता हूँ इनको, मतलब रश करने की रश करता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ पे मैं तो उन लोगों को लूटने के लिए दिया, अगर मैं ओपन से जाऊँगा तो ये लोग मुझे मार देगा। फिर मैं थोड़ा इधर होल्ड किया, फिर देख रहे हो गाइस ये लोग इधर से, मतलब ये तो यहाँ पे दो बंदे हैं, तुम लोगों को एक चीज़ देगा तो देख रहे हो ना तुम लोग, इधर दो बंदे हैं, तुम लोग देखना इधर दो बंदे हैं, जैसे कि इसलिए मैं इधर पुश कर दिया, दो बंदे दिखा मुझे इसलिए मैंने इधर पुश कर दिया। लेकिन पता नहीं आई डोंट नो कैसे हवा की तरह एकदम, मतलब ये लोग स्पाइडरमैन है कि फ्लाइंग जेट है क्रेश है क्या है पता नहीं, आई डोंट नो, एकदम से भाग गया। फिर मैं उधर से आ गया और यहाँ पे मुझे देखना एक बंदे कैसे लेटा हुआ रहता है, वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं मिलता। फिर मैं इसलिए जोन पे जाने के लिए इधर आया, बग्गी पे के पास आया, तो इधर एक बंदा इधर ही लेटा हुआ था। फिर मैं इधर थोड़ा और उड़ गया लेकिन कोई नहीं मिला। फिर मैं बग्गी लेके इधर आ गया और यहाँ पे ही दो बंदा मुझे मिल जाता है, मैं आके गाड़ी ठोक दिया था पत्थर पे और वो लोग मुझे मेरे ऊपर फायर करने स्टार्ट कर दिया। फिर मैं बग्गी पे एक स्मोक किया क्योंकि मैं सोच रहा था कि बग्गी लेके इधर से भाग जाऊँगा, अच्छा खासा कवर लूँगा। लेकिन जैसे ही स्मोक किया बग्गी पे, वो लोग मेरे बग्गी को जलाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं क्या कर, फिर मैं सोच लिया डिसाइड कर लिया कि इनको यही से मारूंगा, तो एक को जैसे ही नॉक करता हूँ दूसरे प्ले पे मैं इसे पुश कर देता हूँ। और भाई मैं तुम्हारा चिकन डिनर हो गया तुम्हारा भाई का 23 किल के साथ। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़रूर एक थम्स अप दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।